वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महंत शुभम गिरी जी, जो कि एक महंत है। आखिर क्या चाहते हैं, क्या इनकी मंशा है? समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं और किस तरीके की जो रणभूमि में इन्होंने अपनी तैयारियां कर रखी हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार हम देख सकते हैं कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या हरिद्वार के अंदर जो सीट है उस पे समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं क्या खड़ा करेगी संत समाज में से किसी को? संत समाज की मांग है कि हर पार्टी संतों को टिकट दे, और जहां तक उम्मीद है अगर समाजवादी पार्टी संतों को टिकट देती है, अगर हम समाजवादी पार्टी में वर्षों से पड़े रहे, जब अमरीश कुमार जी यहाँ के विधायक भी रहे और उन्होंने हमारे को समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग करवाई थी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तो हम उस समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी का संगठन यहाँ कमजोर हुआ है, और 2004 में हमारा सांसद भी अच्छे रहे राजेंद्र वाणी जी से, जो थे वो सांसद भी बने हैं, और समाजवादी पार्टी हरिद्वार के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती है। सामने कुमार कोटी है, वह चामुंडा माता जी का मंदिर है, उसके लिए हम वर्षों से लड़ रहे हैं, 15 वर्षों से हम लड़ते रह रहे, निरंतर उस समिति का सहयोग कर रहे हैं। और नमामि गंगे घाट जो घाट बना है, जमीन भी समाजवादी सरकार ने ही दी गई है, और ओम घाट का स्ट्रक्चर है जो जबकि उत्तराखंड में जो सिंचाई विभाग है उत्तर प्रदेश के पास है, वो भी समाजवादी के देन है। लेकिन हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का हरिद्वार से लड़ती है तो हम उसी से बनेंगे, क्योंकि हम अपना संगठन मजबूत करने के लिए है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तराखंड आए तो उन्होंने ही बात की थी कि संगठन मजबूत करना है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। आप समाजवादी कार्यकर्ता होने के नाते समाजवादी पार्टी के मतलब ये आप वहां तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संत समाज में लोगों को मौका मिलना चाहिए। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो मैं हरिद्वार के हर की लड़ाई लड़ूंगा। सबसे पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा है सिटी पुल का। सिटी पुल में 70% जो आरक्षित सीटें हैं, जो हमारे यहाँ के स्थानीय युवा है वो बेरोजगार है, उसको रोजगार मिले। दूसरा मेरा मुद्दा है कि समाजवादी पार्टी IDPL को खोल दिया, समाजवादी पार्टी धोईवाला में चावल मंडी का निर्माण कराएगी, और संत समाज से मैं आता हूँ, संतों के लिए भू समाधि की जगह नहीं है, और उसको भू समाधि के लिए एक जगह बनवा के और बाउंड्री करके भू समाधि के लिए जगह मिलवाएंगे। समाजवादी पार्टी गंगा जी का स्वच्छ रखेगी, रुड़की में प्राणी गंग नहर है। सबसे पहले मेरा काम हुआ केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना, केंद्र में किसी की भी सरकार हो, सप्तऋषि नाला है, तमाम जितने भी छोटे मोटे नाले हैं उसको बंद करके उसका जो पानी एक सीवरेज बनाकर उसका एक पार्क का निर्माण करवाना। समय बहुत कम बचा है, तो ऐसे में आप अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं या फिर आप ये गुजारिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से कि आपको टिकट दे, क्या लगता है ये मुनासिब हो पाएगा क्या? देखिए, टिकट तो मिले ना मिले राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अगर समाजवादी पार्टी के नाम से कोई आता है, और क्योंकि दो घटनाएं उत्तराखंड में ऐसी होगी, एक तो खटीमा गोलीकांड, एक रामपुर सुधार का, जबकि हमने कलेक्ट्रेट भवन हरिद्वार में बनाकर स्थापित किया, हरिद्वार में कोर्ट हमने बनवाया, विकास भवन हमने बनवाया, और ओम घाट हमने बनवाया, और हर जगह घाटों का निर्माण किया, स्वच्छता का निर्माण किया, हरिद्वार का विकास नेताजी ने पूर्ण किया और अखिलेश जी की सरकार में भी हुआ है। लेकिन कोई बाहर से आता है, जैसे अग्रवाल जी आई, टिकट मिला तो दूसरे दल में गए, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, अगर उसको टिकट मिले मेरे कोई आपत्ति नहीं है। अगर संत समाज नहीं मिलेगा तो मैं एक अलग एक्शन लूंगा और स्वामी श्रद्धानंद जी का फोटो लगाकर यहाँ पर चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी की भूमि है, पतित पावनी माँ गंगा जी की भूमि है, माँ मनसा देवी की भूमि है, माँ चंडी देवी की भूमि है, और नीलेश्वर महादेव की भूमि है, दक्षिणेश्वर महादेव की भूमि है, और गंगा जमुना तहजीब की भूमि है। आप देखिए, हरिद्वार में आज तक सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, यूपी के समय की बात ले लीजिए, आप अंग्रेजी शासन की बात ले लीजिए, आज तक नहीं हुए, तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो सबसे पहले जो पुराने हमारे समाजवादी लोग हैं उनको जोड़ेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में देखिए विकास नहीं, जब हरिद्वार उत्तर प्रदेश का अंग होता था तो 3 सीटें थी, लक्सर, रुड़की और हरिद्वार, हरिद्वार से अमरीश कुमार जी थे और रुड़की से अपने राम सिंह सैनी जी थे, और उसके बाद लक्सर बसपा के पास थी, लेकिन तब भी हम 3 सीटों में से 2 सीटें लिए, उसके बाद सांसद भी बने। ठीक है, अमरीश कुमार जी के बाद जाने के बाद संगठन कमजोर हुआ, लेकिन कई लोगों ने संगठन को चला के रखा। जब हरिद्वार में संगठन तोड़ा तो सिर्फ 3 ही नेता थे, चंद्रशेखर यादव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मशहूर अमर सोरे की, लेकिन अखिलेश जी मेरा सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, नो डाउट। अगर संत समाज की ओर से मांग रहे, संतों ने ही मांग की, सारी पार्टी ऐसी, चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे आप हो,
तमाम जितने भी हिंदुस्तान के राजनीतिक दल अगर हरिद्वार में प्रवेश करेंगे वो टिकट दे, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी भूमि है, यहाँ मायावती जी ने भी यहीं से चुनाव लड़ा, हरीश रावत जी भी यहीं से भी चुनाव लड़े, हरिद्वार से जो चुनाव लड़ता है मुख्यमंत्री पद के ताज तक जाता है, केंद्रीय मंत्री पद के ताज तक जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं। सुन रहे थे महंत शुभम गिरी जी को, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि संतों को समाजवादी पार्टी को टिकट देना चाहिए। अब लोकसभा चुनाव में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में हॉट सीट माना जाता है इस सीट को, लोकसभा चुनाव में सभी की निगाहें टिकी होंगी हरिद्वार सीट पर, ऐसे में अब देखना होगा किसके सर पे सस्ता है जीत का सहरा। बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है और देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी अपना अस्तित्व ढूंढ रही है, तो ऐसे में क्या संतों को टिकट मिलेगा, क्या क्या संतों को खड़ा किया, संतों में से किसी को खड़ा किया जाएगा क्या। ऐसे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लोकसभा चुनाव की बने रहिए दखल न्यूज के साथ। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।